गुड मॉर्निंग कृष्णा लॉ कॉलेज में आपका स्वागत है। हम एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के जो हमारा पाठ्यक्रम चलता है उस विषय के बारे में बात कर रहे हैं। मेरे पिछले वीडियो में जो आपके कोर्स से रिलेटेड थे जो दंड पनिशमेंट में मैं आपको बता चुकी हूँ कितने तरह के पनिशमेंट दे सकते हैं। अब हम भारतीय दंड संहिता को चार भागों में डिवाइड करके चलेंगे। फर्स्ट हमें जो बताता है, फर्स्ट हमें बता रहा है दंड के बारे में। सेकंड अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साधारण अपवाद के ऐसे कौन से मामले हैं जिसमें अगर कोई ऑफेंस भी हो जाता है, कोई अपराध भी हो जाता है तो उसका दंड नहीं मिल सकता, वो सब अपवाद के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे तीसरा जो उसका खंड होगा वो होगा शरीर से रिलेटेड जो अपराध होंगे, और उसके बाद उसका होगा हमारा संपत्ति से रिलेटेड जो अपराध होंगे उसके बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं साधारण अपवाद अध्याय 4 और सबसे पहली जो इसकी सेक्शन है 76 हमारे जो कहता है वो देखते हैं विधि द्वारा आबद्ध तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या जो तथ्य के भूल के कारण ना कि विधि के भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास रखता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसको विधि द्वारा रखा गया है कि आप इसी तरीके के वर्क करेंगे और उससे किसी तरीके की कोई तथ्य की भूल हो जाती है, सपोज दैट एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और जब एक्सीडेंट हुआ तो वो पुलिस थाने में जाता है, जाके वहां पर लिखवाता है, रिपोर्ट लिखवाता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई है और इस तरीके से जो विधि द्वारा आबद्ध यानी कि जो पुलिस है, पुलिस जो होगी इस टाइम यहाँ पे विधि द्वारा आबद्ध जो व्यक्ति की बात हो रही वो होगा, उसने जैसे उसने कहा है कि रात के टाइम हुई है और उसने वहां पर जब वो उसकी रिपोर्ट लिख रहा है उस टाइम उसने दिन का टाइम लिख दिया तो ये तथ्य की भूल होगी। यहाँ पर वो अपने आप की उसकी जो गलती होगी वो क्षमे यानी कि क्षमा की योग्य होगी। इसमें एक रिलेशन है वो देखते हैं विधि ए समादेशों के अनुपरिवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है काने कोई अपराध नहीं है किया। यदि कोई आर्मी ऑफिसर है और वो अपने जो सैनिक है उनको कहता है कि आप गोली चलाइए, उसके ऑर्डर पर जब वो गोली चलाता है और किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर वह अपना बचाव कर सकता है क्योंकि उसने यहाँ पर क्या किया है आदेश को मानकर वर्क किया। सेकंड है इसका 77 न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य 77 न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश द्वारा ऐसे किसी शक्ति का प्रयोग की जाती है जो या जिसके बारे में उसे सद्भावना पूर्वक विश्वास है कि वह उसे विधि द्वारा की गई है। जैसे न्यायाधीश होते हैं उनको विधि द्वारा अवगत किया जाता है, विधि द्वारा उनको इतना पावर होती है कि वो किसी भी तरीके का अगर पनिशमेंट देना चाहे तो वो किसी भी व्यक्ति को दे सकता है और उसके खिलाफ कोई ऑर्डर या अपील नहीं हो सकती। 78 है न्यायालय के निर्णय और आदेश के अनुसार में किया गया कोई कार्य जब जो न्यायालय ने कोई आदेश दिया है उसके अनुसार में अगर जो कोई व्यक्ति उसको मानते हुए कोई व्यक्ति अगर जो शुभ कार्य कर रहा है वह कार्य अगर जो किसी की जैसे हम इसमें एक वो पढ़ेंगे कि जो ये जल्लाद होते हैं जो मृत्यु दंड देते हैं अपराधियों को सूली पर चढ़ाते हैं उन व्यक्ति को वो क्या कर रहे हैं अगर कोई अपने कोई व्यक्ति किसी डेथ पर कोर्स करता है तब उसको पनिशमेंट दी जाती है, पर यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि वो जो कर रहा है वो न्यायालय का जो आदेश है जो निर्णय है उसके अनुसार ही वर्क कर रहा है तो वो अपना काम कर रहा है।
सद्भावना पूर्वक बेईमानी से, सद्भावना पूर्वक न करके बेईमानी से उसके साथ इस तरीके का वर्क करता है जो उस आदेश के खिलाफ है। आदेश के सिर्फ कहा गया था कि उसको लेके आना है, यहाँ पर उन्होंने उसकी मारपिटाई भी की है, तो मारपिटाई जो होगी ये अपने यहाँ पर वो है पुलिस ऑफिसर अपना बचाव नहीं कर सकता कि ये मैंने न्यायालय का आदेश, क्योंकि न्यायालय ने सिर्फ और सिर्फ ये कहा था कि आप उसको लेकर यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। और 79 है इसमें, विधि द्वारा न्याय अनुमत तथा तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्याय अनुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्याय अनुमत है, जिसको न्यायालय ने कहा है कि आप विधि द्वारा कोई व्यक्ति है जिसको कहा है कि आप इस तरीके का वर्क करेंगे और वो व्यक्ति अपना उसी आदेश को मानते हुए वर्क कर रहा है। तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि के भूल के कारण सद्भावना पूर्वक विश्वास करता है कि उसे करने के लिए विधि द्वारा न्याय अनुमत है। अब इसमें काफी जगह ये आ रही है बात तथ्य की भूल और विधि की भूल द्वारा नहीं, तथ्य की भूल द्वारा, यानी कि विधि की भूल द्वारा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो संसद है, जब भी कोई विधि निकालती है, जब भी कोई लॉ निकालती है तो उसको पब्लिश करती है, और ये वह अपने नागरिकों के लिए जो चाहती है कि मेरे नागरिक इतने सशक्त हैं, इतने आदर्श हैं, तो इतने उनकी जिम्मेदारी भी है, ये हमारा कर्तव्य है कि जो भी कोई नया आदेश आ रहा है या कर्तव्य या लॉ या कुछ भी विधि आ रही है, किसी भी तरीके का कोई कानून आ रहा है, उस कानून को जो गवर्नमेंट लेके आ रही है उसके बारे में हम अपनी पूर्ण जानकारी प्राप्त करें और उस चीज को पढ़े जो गवर्नमेंट ने, संसद ने जो हमारे लिए लॉ निकाला है। अब अगर हम कोई व्यक्ति ये कहे कि मैंने ये लॉ नहीं पढ़ा और मुझसे मुझे नहीं मालूम कि इस तरीके की का कोई लॉ है, तो वो अपने आप का बचाव नहीं कर सकता, उसको ये कह सकते हैं वहां पे वो कोर्ट उसको पनिशमेंट देगी, क्योंकि ये हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो लॉ आया है, जो नियम आया है, जो भी हमारे संसद कानून निकाल लिया उस कानून के बारे में हम पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। और एक इसमें आता है 80 में है दुर्घटना, गाड़ी ड्राइव कर रहा है और वहां पर लिखा है कि स्पीड 40 ही आपकी रहे और वह अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके चल रहा है, उसको उसके पास लाइसेंस भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है अपना, यानी कि अपनी तरीके से पूरी तरीके से सावधानी से सतर्कता से वह व्यक्ति चल रहा है और फिर भी दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना हो जाती है, दुर्घटना में किसी व्यक्ति की उससे डेथ हो जाती है, तो वह अपना बचाव कर सकता है। वो ये कह सकता है कि मैंने अपनी तरफ से कोई भी किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं की थी, तो वहां उसका बचाव होगा। इसमें एक इलेक्शन है, ये इलेक्शन काफी बार पूछी भी जाती है, इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। उसमें है कार कुल्हाड़ी से काम करना है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकल कर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ व्यक्ति उसे मारा जाता है, जो उसका जो फल था, जो उसका कुल्हाड़ी का जो आगे का लोहे का जो सामान होता है वो उसको उस व्यक्ति को लगे और उस व्यक्ति की वहां पर डेथ हो। यदि का की ओर से उचित सावधानी का कोई अभाव नहीं था तो वह कार्य माफी योग्य है और अपराध नहीं है, यानी कि अगर जो उसने पहले पूरी तरीके से देख लेता है कि कोई आसपास कोई व्यक्ति नहीं है, जो वो फल लगा हुआ है वो ठीक तेज से लगा हुआ है, अपने तरीके से पूर्ण सावधानी के तरीके से उसने अगर जो तब क्या है, अब तब उससे कोई इस तरीके का अपराध हो जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। पर
अपवाद का भी अपवाद है, उसमें यह है जैसे ये वहां पे व्यक्ति है, वहां व्यक्ति ना होकर अगर बच्चे हो और तब वह व्यक्ति पूरी सावधानी से भी वर्त कर रहा है तो तब भी उसका जो अपराध होगा वो अपराध की ही श्रेणी में आएगा, क्योंकि बच्चों के बीच में इस तरीके का वर्त करने के लिए गवर्नमेंट मना करती है, तो वहां वो अपना बचाव नहीं कर सकता। और एक इसमें है 81, कार्य जिससे उपहानि होना संभव है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि का निवारण करने के लिए किया गया है। इसको हम दूसरी तरीके से समझते हैं, यानी कि बड़ा अपराध, बड़ी दुर्घटना होने के लिए अगर कोई छोटी दुर्घटना कर दी जाए तो वो अपराध अपराध की श्रेणी में नहीं होगा। बड़ा नुकसान करने से अच्छा है अगर छोटा नुकसान हो जाए और उस नुकसान से छोटा मोटा नुकसान भी हुआ है और किसी की जान बच जाए तो वह नुकसान नुकसान की श्रेणी में, यानी कि वो जो अपराध होगा वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसका एक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसके तरीके से समझते हैं। ऐसा है का एक व्यक्ति है, का खा एक बच्चा है, वो दोनों गाड़ी से सड़क पर जा रहे हैं। जाते हुए क्या हुआ कि जब उसको देखा, देखता है कि एक सामने से एक बस आ रही है और बस बहुत तेजी से आ रही है, और उसने अगर जो खा जो व्यक्ति खा जो बच्चा है अगर उसको हाथ पकड़ के नहीं खींचा तो वह उसको कुचल देगी। वो जैसे ही उसको खींचता है तो उस जो वो बच्चा था उस बच्चे को थोड़ी खोच आ जाती है। तो यहाँ उसने बड़ा नुकसान रोकने के लिए छोटा अगर जो नुकसान कर गया तो वह उसका, क्योंकि उसने सद्भावना पूर्वक किया है और किसी भी तरीके का ऐसा आशय नहीं था उसका कि उसको गलत तरीके से करे, तो यहाँ पर जो अपराध होगा वो अपराध अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और इसकी जो सेक्शन क्या है, क्या आता है, परिभाषा क्या है, उसको पढ़ लेते हैं। कोई बात केवल इस कारण अपराध नहीं है कि वह यह जानते हुए कि उससे उपहानि कार्य होना संभव है, वह जो ये भी जानता है कि इससे उपहानि होना कंप्लीट है, मतलब किससे अपराध जो नुकसान होगा, यदि वह उपहानि कार्य करने के किसी अपराध आशय के बिना और व्यक्ति या संपत्ति के अन्य उपहानि के निवारण या परिवर्जन करने के प्रयोजन से संभावना पूर्वक की गई है। इसका एक स्पष्टीकरण है, ऐसे मामलों में यह तथ्य का प्रश्न है कि जिस उपहानि का निवारण या परिवर्जन किया जाना है क्या वह ऐसी प्रकृति और इतनी असंत है कि वह कार्य जिससे वह जानते हुए कि उससे उपहानि कार्य होना संभव है करने का जोखिम उठाना न्यायसम्मत या काफी माफी योग्य था। यानी कि ये भी देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर उसको चोट लगनी भी नहीं थी, यानी कि उसके साथ ऐसा कोई बड़ा दुर्घटना होनी भी नहीं थी और फिर भी उस व्यक्ति ने उसको बच्चे को बचाने के लिए उसको ज्यादा चोट लगा दी, ये भी देखना का ये भी एक तथ्य का प्रश्न है। इसमें एक इन्वेस्टिगेशन है, उसमें यह है कि एक बार एक जलयान था, उस जलयान में काफी लोग थे और उसके सामने ही एक नाव थी, तो उस नाव में दो व्यक्ति थे, तो उस व्यक्ति को ये आया कि अगर उसने अपनी जो जलयान है उसका टर्न नहीं किया, उसको नहीं मोड़ा तो ये जो जलयान है ये डूब जाएगा या उसको ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, पर अगर जब वो मोड़ता है तो वो जो व्यक्ति है जो एक नाव में सवार है वो दो व्यक्ति उससे वो उनकी डेथ हो सकती है। वहां पर उसने बड़े खतरा उठाने से अच्छा क्या किया, उसने वो जो नाव थी उसको टक्कर मार दी, वहां पर उसको जो सद्भावना पूर्वक भी वर्क किया जा रहा था तो उसका जो वर्क होगा वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये हमारे 76 से लेके 81 तक हमारा फर्स्ट है तथ्य की मूल, सेकंड है न्याय कार्य करते हुए न्यायाधीश, थर्ड है इसमें 78 है इसमें न्याय कार्य के अनुसरण, न्यायिक निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कोई कार्य, 79 है इसमें ये भी विधि की भूल क्षमा नहीं है, यानी कि क्षमा के योग्य नहीं है, तथ्य की भूल क्षमा के योग्य है, 80 में इसमें दुर्घटना और 81 में इसमें इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि बड़ा नुकसान को बचाने के लिए छोटा नुकसान उठा लेना, इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं। इसमें आपके यही तक है, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन
है कि इसमें जो आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि तथ्य की भूल क्षमा योग्य है और विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं है, तो इसको डिफाइन कीजिए, इसको बताइए किस तरीके से। तो इसमें हमने यही क्वेश्चन जो आएगा, तो हमें ये देखना है कि कौन ये किस तरीके के क्वेश्चन के बारे में इसमें आंसर हमें क्या देना है। आपको हमारी वीडियो कैसे लग रही है आप हमें मैसेज बॉक्स में, इनबॉक्स में हमें मैसेज करके बता सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल